चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। आज सूर्य ग्रहण है, दुनिया के कई हिस्सों में इस खगोलीय घटना को दुर्लभ नजारा देखने होने वाला है। इस बार सूर्य ग्रहण बेहद खास है क्योंकि 100 साल में पहली बार हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो वैज्ञानिकों के लिए तो अद्भुत होगा लेकिन कई लोगों के लिए अलौकिक भी होगा। सूर्य ग्रहण यानी धरती और सूरज के बीच से गुजरते चंद्रमा की एक ऐसी शक्ति जो संसार के सबसे बड़े पालनकर्ता को भी अपने वश में कर लेता है। दरअसल 100 साल बाद दुनिया एक बार फिर आज एक ऐसी खगोलीय घटना का गवाह बन रही है जो अद्भुत, अकथनीय और अति दुर्लभ है। 2023 का हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, 100 साल बाद 3 सूर्य ग्रहण एक दिन में, दुनिया के दोनों छोर पर चांद छाया। आज का सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा लेकिन जहां दिखेगा वहां हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होगा। तो जानिए क्या होता है ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। सूर्य पृथ्वी के बीच से गुजरते चंद्रमा की छाया धरती पर, धरती पर जहां चांद की छाया पड़ी वहां पूर्ण अंधकार। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण में सूर्य की पूर्णता के सामने चंद्रमा, आंशिक पूर्ण कुंडलाकार में दिख रहा सूर्य ग्रहण थोड़ी देर के लिए दिखेगा रोमांचक रिंग ऑफ फायर। ऐसा महासंयोग 100 साल बाद बन रहा है, मतलब दुनिया में जहां सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां इसके 3 स्वरूप दिखेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, कुंडलाकार प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, आंशिक ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अंटार्कटिका। हैरानी की बात नहीं है कि आज का सूर्य ग्रहण एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को रोमांचित कर रहा है क्योंकि आज आसमान में जो हो रहा है वो इस सदी का सबसे शानदार खगोलीय नजारा है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, जयपाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जयपाल, आज सूर्य ग्रहण लग रहा है लेकिन भारत में भले ही नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी कहा जाता है थोड़ा बहुत असर रहता है। बिल्कुल, देखिए आज जो है वैशाख माह का ये सूर्य ग्रहण लग रहा है और इसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण भी कहा जा रहा है क्योंकि ये भारत में देखा नहीं जाएगा लेकिन भारतीय समय अनुसार जो 7:04 से सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। और अगर मंदिर के पीछे आपके तस्वीरें दिखाएं तो देखिए मंदिर के पूरी कपाट जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं उनको ढक दिया गया है और यहाँ पर मंदिर पर पूरी तरह से आपको सन्नाटा दिखाई देगा। आमतौर पर यहाँ जो भक्त हैं वो दर्शन पूजन करते थे, सुबह की आरती होती थी लेकिन आज चूंकि सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है और ऐसे में यहाँ पर आरती और दर्शन पूजन बंद हो गया है। सूर्य ग्रहण को एक तरह से खगोलीय घटना जो ज्योतिष के अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता है और ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कहा जाता है कि जब तक सूर्य ग्रहण हो तब तक खाना नहीं खाना चाहिए, कोई ऐसा लेकिन यहाँ पर जयपाल अगर बात करें सूर्य ग्रहण की तो ये कहा जाता है सूतक काल लग जाता है लेकिन ऐसी खबर है कि इस बार चूंकि ये भारत में नहीं है और आंशिक रूप से भी नहीं है तो क्या इस बार सूतक लगा है? बिल्कुल, देखिए जो जानकार बता रहे हैं वो ये कि सूतक तो यहाँ मान्य नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो एहतियातन इस बात को मानते हैं कि चूंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है भारत में भले ना दिखाई दे लेकिन इसका मिला जुला जो असर है वो जरूर होता है। ये कुंडलाकार रूप में सूर्य ग्रहण होता है जो अपने पूर्ण आकार में फिर आता है और धीरे धीरे ये जो चूंकि 12:29 तक ये सूर्य ग्रहण लगेगा तो ऐसे में सूर्य ग्रहण के मौके पर जो तमाम एहतियात है वो जरूर बरते जाएंगे और जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी इसका पड़ेगा और चूंकि इसका प्रभाव कम पड़ेगा इसलिए लोग कह रहे हैं कि इसका मान्य नहीं है और सूतक काल नहीं लगेगा। लेकिन तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखाते हैं दिव्या, देखिए यहाँ पे मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया है यानी जो पुजारी हैं वो इस बात को मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के वक्त दर्शन पूजन नहीं हो सकता जो भगवान है। अब जैसे ही सूर्य ग्रहण, ठीक है जयपाल आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। सत्य प्रकाश के पास चलते हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, भले ही सूर्य ग्रहण का असर भारत में दिखाई ना दे लेकिन मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं, सूतक काल भी लग गया है और लोगों की अलग अलग मान्यताएं भी आज के दिन से जुड़ी हुई है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत में इसका कोई असर नहीं है और यही कारण है कि अयोध्या में किसी भी मंदिर में इस तरह से कोई भी जो है व्यवस्थाएं नहीं की गई है क्योंकि यहाँ पर सभी मठ मंदिर खुले हुए हैं। आपको भोलेनाथ की तस्वीर यहाँ पर, क्षीरेश्वर प्रसिद्ध क्षीरेश्वर नाथ मंदिर है
हम वो स्थान दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। अब सुबह से ही दर्शन पूजन का क्रम चालू हुआ और यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो है मंदिर को जो है नहीं बंद किया गया है, क्योंकि भारत में इसका असर नहीं। हमारे साथ एक यहाँ के जो माना जाए कि प्रतिष्ठित नागरिक भी, हम उनसे बात करेंगे। आज जो है सूतक सूर्य ग्रहण है, क्या मानते हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने हमको समझ, दूसरी बात यह है कि सूर्य ग्रहण का असर यहाँ हमारे भारत वर्ष में नहीं है, इस कारण से समस्त मठ मंदिर जितने भी अयोध्या धाम में खुले हुए हैं सभी का शुरू से निरंतर क्रम के अनुसार सभी दर्शनार्थी अपना दर्शन पूजन कर रहे हैं। भगवान रामलला का भी दरबार खुला हुआ है, कोई ऐसी कहीं पर भी बात नहीं है कि कहीं पर भी ज्योतिष गणना के अनुसार मंदिरों को बंद रखा जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा व्यवस्था, बिल्कुल सत्य प्रकाश, क्योंकि मंदिर वहाँ पर खुले हुए हैं, लेकिन अगर आपके आसपास पुजारी जी मौजूद हो तो जरा उनसे भी जानिए कि इस बार किस तरीके का संयोग बन रहा है, क्योंकि बाहर के देशों में नजर आएगा लेकिन फिर भी कई लोग मानते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि भजन कीर्तन इस दौरान करते रहना चाहिए। ये बात अलग है कि अयोध्या में इस वक्त मंदिर के कपाट खुले हुए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पुजारी जो है अपने गर्भगृह में जो है पूजन अर्चन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पूजन दौर का भी क्रम जारी है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मंदिरों में पूजन पाठ है किसी प्रकार के इस तरह से कोई मतलब व्यवस्थाएं नहीं की गई है जिससे सूर्य ग्रहण को लेकर कि यहाँ पे कपाट बंद हो या मंदिरों में दर्शन पूजन का क्रम बंद किया गया हो, लेकिन लोग पूजन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज के इस ग्रहण को नहीं मानते। यही कारण है कि यहाँ पे रामलला का मंदिर हो या हनुमानगढ़ी हो या प्रसिद्ध अन्य जो मंदिर है सभी खुले हुए हैं और लगातार दर्शन पूजन का क्रम जारी है। जी बिल्कुल, जयपाल का जरा रुख करते हैं। जयपाल, अयोध्या में हम तस्वीर कुछ और देख रहे हैं और काशी में तस्वीर कुछ और देख रहे हैं, वहां पर कपाट बंद कर दिए गए। हालांकि अयोध्या में जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं यहां पर कुछ सूतक काल नहीं लगा है, पूजा अर्चना वैसे ही हो रही है जैसे रोज होती है। बिल्कुल, देखिए हर जगह की अपनी एक मान्यता और धारणा होती है और जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं। हालांकि अब भारत जो है वो तमाम धारणाओं के विपरीत एक अपनी अलग रीति रिवाज भी अपनाता रहता है और यहाँ पर हर जगह पे ये कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी और पानी बदलती है, तो उस तरह से परंपराएं भी बदलती हैं, रीति रिवाज भी बदलते हैं और कहीं पर कपाट खुले हैं कहीं पर नहीं खुले हैं। तो कुछ लोग मान रहे हैं कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि सूतक काल यहाँ पर इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है कि इसका असर नहीं है सूर्य ग्रहण का, ये विदेशों में जिसका असर दिखाई दे रहा है, भारत में कहीं पर भी ये नजर नहीं आएगा। लेकिन हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो ये कि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं, प्रतिमाओं को ढक दिया गया है, इंतजार किया जा रहा है 12:30 बजे का और 12:30 जैसे ही बजेंगे एक बार फिर से मंदिरों की धुलाई होगी, देवताओं को नहलाया जाएगा और उसके बाद शुरू होगा दर्शन पूजन का दौर। लेकिन फिलहाल जो तमाम लोग हैं वो इस वक्त सूर्य ग्रहण के वक्त जो है अपने घरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं और चूंकि ऐसे में खाना बनाना खाना निषेध होता है तो ये तमाम जो एहतियात हैं वो जरूर वो बरत रहे हैं और जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे निजात पाने के लिए कहा जा रहा है कि 100 साल में 3 आकार में सूर्य नजर आएगा, लेकिन सब में कौतूहल का विषय यही बना हुआ है कि उस दौरान किस तरीके की छवि नजर आएगी, किस तरीके का आकार दिखाई देगा सूर्य का। अब बिल्कुल देखिए, ये खगोलीय घटना है और जाहिर सी बात है लोगों में उत्सुकता रहती है, तो ये जो हाइब्रिड एक तरह से सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है उसमें अलग अलग कुंडलीकृत आकार में सूर्य अपने रूप को परिवर्तित करेगा और उसके बाद एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी और फिर धीरे धीरे अपने आकार में सूर्य आएगा। इसी खगोलीय घटना को देखने के लिए तमाम लोग जो है वो उत्सुक नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि भारत में यह स्थिति नजर नहीं आएगी लेकिन विदेशों में इसको लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता है। तस्वीरें आएंगी वहां से भी, उस पर नजर आएगी।